हेलो मेरे प्यारे भाइयों, नमस्कार। हमारे स्नैप ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई सुबह के बज रहे हैं 11 और अभी अभी थोड़ी देर पहले घर से निकले हुए थे। दो राइड हमने पूरी कर ली हैं और दो राइडों में 17 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। देखो 11 किलोमीटर ईंधन वगैरह को जितना बचा हुआ है। तो भाई सुबह सुबह निकल आए थे, घर के पास से ही पहली बुकिंग आ गई थी तो उनको पिकअप किए, लाके हम छोड़े जो है गुरुदेव पैलेस। और गुरुदेव पैलेस से बुकिंग मिल गई ये फेल खाना की, फेल खाना छोड़ दी है। यहाँ पे एरिया कहीं सही है नहीं गाड़ी खड़ी करने की, तो सही जगह देख के आगे VIP रोड की तरफ उधर चल के गाड़ी खड़ी करते हैं और बुकिंग करेंगे। वेट आपको दिखाते हैं। ऊबर में एक राइड आई थी अभी, तो जाना था जूही की तरफ तो हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किए। देखो ओला में कोई राइड नहीं किए हैं, ऊबर में अभी अपना कोई राइड खाली है एकदम। और ओला अभी आपको हम दिखाते हैं। ओला की हमने दो राइड की हैं छोटी छोटी सी और दोनों ही प्राइम की थी, मिनी हमने बंद कर रखी है। ये देखो 265 रुपये का काम हुआ है ऑपरेटर जो है हमारा दो बुकिंग में, और दोनों ही प्राइम की बुकिंग है। 265 रुपये में 17 किलोमीटर गाड़ी चली हमारे घर से अभी तक। तो करते हैं काम, लोकल का है चाहे बाहर का है, आज तो भाई काम करना है। आज सुना सा अलग भी है तो हो सकता है शाम तक सर्च भी लगे। तो अभी भीड़ भाड़ कम है, संडे का दिन है तो जो काम निकलता है उसे करते हैं और फिर शाम को देखते हैं कोई ढंग की बुकिंग आएगी तो सर्च वाली या फिर बाहर की आउट स्टेशन की। जैसे ही कल हमें प्राइवेट मिल गई थी तो कुल मिला के कल का सही था, निकल आया था, नहीं बहुत ज़्यादा बचे तो फिर भी काम तो हो ही गया अपना। तो अपना अभी ये रूट अपना बंद है। देखो मेट्रो काम चल रहा है, यहाँ पे अंडर बनेगी अंदर से। ये मीरपुर कैंटोनमेंट की बज रही भाई स्टेशन की, 1.3 की जो है सर्च लगा हुआ है, लेकिन उसे हमने जाने दिया क्योंकि वहाँ स्टेशन जाने का अभी कोई मतलब नहीं है। जाके वहाँ फंस जाएंगे, वहाँ से राइड मिले ना मिले, पार्किंग की भी उधर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और भाई ये है अपना लाल इमली, इसी के साइड से हम निकल रहे हैं। अब लाल इमली के थोड़ा सा आगे ही जाके खड़े हो जाएंगे छाया में आराम से, बुकिंग करेंगे वेट। किसी ज़माने में भाई बहुत यहाँ जो है चहल पहल होती थी और बहुत सारे हजारों लोगों को रोजगार यहाँ मिलता था। फिलहाल तो सरकार की अनदेखी है और ये भाई बंद है, लेकिन अंग्रेजों के ज़माने में बनी हुई है भाई। आज भी देखो एकदम साफ सुथरी सी, एकदम वैसे ही खड़ी है इतनी पुरानी बिल्डिंग होने के बाद भी। स्ट्रक्चर इसका एकदम वैसा ही झमाझम है, अच्छे से खड़ा हुआ साफ सुथरा। ये तो अभी की जो बिल्डिंग है भाई सरकारी जो बन रही है और तब भी 50 साल में 100 साल भी पूरे उसे नहीं होते, 30-40 साल में ही गिरनी हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्कूल वगैरह पंचायत घर वगैरह बने हुए हैं वो हम देखते हैं हमारे सामने ही बने थे, 20-25 सालों में ही वो ख़त्म हो गए। तो ये पहले की थी अंग्रेजों के ज़माने का, तो आज भी चल रहा है। अब सही जगह मिल गए भाई, आराम से यहीं खड़ी कर लिए हैं। अब करते हैं वेट सही बुकिंग का और कोई आएगी तो बताएंगे भाइयों। भाई आपको बताते थे मैं ओला में काम कर लिया था, 5 राइड, पांचों प्राइम में थी और उनका फेयर लगभग जो है 7-750 रुपये था 5 बुकिंग का। और हम लास्ट ड्रॉप जो करने गए थे चिड़ियाघर, ड्रॉप करने से पहले ही ऊबर में बुकिंग आई भाई, जो कि मंदना से पिकअप है, जो कि दूरी हमने देखा भाई 12 किलोमीटर। प्राइम सेडान की बुकिंग थी, कस्टमर से बात किया, पर्सनल नंबर भी उनका ले लिया कस्टमर का, तो उनको जाना है एयरपोर्ट। हमें समझ में नहीं आ रहा भाई 12 किलोमीटर से कभी ऊबर ने हमको इतनी दूर से बुकिंग दी नहीं है भाई। उसका कारण यह है कि ऊबर में इतनी गाड़ियां इंटरसिटी तो कोई भी लेके चला जाएगा और प्राइम सेडान इंटरसिटी वो तो और भी अच्छी बात है। बिल दिखा रहा था 1300 रुपये से लगा के 1600 रुपये, हमें लगा कि ये फेक है भाई। जब कस्टमर से बात की, कस्टमर ने अपना जेन्युइन नंबर भी दे दिया पर्सनल नंबर, बात करने के बाद हमें यकीन हुआ कि नहीं ओरिजिनल है। तो हम निकले हुए हैं कस्टमर को पिकअप के लिए और अब जाके पिक करते हैं, जाते हैं लखनऊ एयरपोर्ट, अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट, दोनों बात एक ही है। देखते जाके वहां से फिर हम कैसे आ पाते हैं। और सुबह से भाई आज हमने सोच रखा था कि आज हम काम करेंगे, 1000 रुपये बचा के घर ले जाएंगे, तो अगर आउट स्टेशन मिल गई भाई तो फिर हो सकता है 2000 भी बच जाए अगर उधर से भी राइड मिल गई, तो नहीं तो 1000 तो पक्के हैं ही। अभी देखो सुबह से हम 63 किलोमीटर गाड़ी भाई चला चुके हैं और CNG कुछ इतनी है, पेट्रोल तो है नहीं, लेकिन पेट्रोल 500 रुपये भाई
डलाना पड़ेगा। तो ये अपना मंदना से हम मंदना के लिए जा रहे हैं, चिड़ियाघर से जो है आए हुए थे, मैना उदय चढ़े हुए धनोपुरों के पास में। इस समय है कोठारी चौराहा, यस कोठारी चौराहा, ये भाई कैंसर अस्पताल कोठारी जी बनवा रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों यार उन्होंने बेच दिया। लेकिन उनकी शर्त यही थी कि बनेगा कैंसर अस्पताल ही, जिसने लिया है वो भी कैंसर अस्पताल ही बनवा के, अब तो बन चुका है, लगभग शुरू भी हो चुका है। ये हाईवे के जस्ट किनारे ही है। तो अभी फिलहाल में जाते हैं भाई, कस्टमर को जाके पिक करते हैं, और पिक करने के बाद फिर लखनऊ जाते हैं, एयरपोर्ट छोड़ते हैं, फिर आपको बताते हैं कितना क्या हमें ऑपरेटर मिला, कैसे क्या हुआ, तो सारी डिटेल मिलेगी। तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में भाइयों। तो भैया आ गए लखनऊ एयरपोर्ट अमौसी पे, और इसमें लगी हुई है भाई भयंकर भीड़ गाड़ियों की, जो कि टैक्सी लाइन है हम लोगों की ये। और भाई ऊबर ने जो फेयर दिया है एक राइड में 1462 रुपए इन्होंने दिया है। ये देखो हमारी रीडिंग भाई, गाड़ी लगभग 90 किलोमीटर चली है, 90 किलोमीटर का 1462 रुपए, ये 100 रुपए हमने लिया टोल का भाई। तो अभी तक तो अपना सही रहा, बस इधर से मिल जाए तो, अगर इधर से ना मिला तो भाई गड़बड़ हो जाएगा। मिले चाहे ना मिले, हम यहाँ से निकल के बाहर गाड़ी खड़ी करेंगे और देखेंगे यार कोई ना कोई जुगाड़, किसी ना किसी तरह हमको यहाँ से निकलना है। प्राइवेट बुकिंग या इन ड्राइवर वगैरह जो भी है, जैसे भी है, मिलेगा यहाँ से लेके निकल जाएंगे। अब यहाँ से निकलने में हमें लगे 10-15 मिनट समय लगेगा भाई, क्योंकि ओला का पिकअप पॉइंट है यहीं भी, सब लोग खड़े होते हैं सवारियों का इंतजार करते हैं जिनकी राइड आ जाती है। तो हमारी तो फिलहाल आई नहीं है, तो हम तो खड़े होकर करेंगे भाई वेट बाहर, लेकिन और जैसा भी होता है बताते हैं आप लोगों को। ये स्टैचू है भाई ऊबर का 1462 रुपए, और भाई ओला का दिखाते हैं। ओला में भी हमने 5 राइडें की थी, 5 राइडों का ऑपरेटर हमारा 778 रुपए। ये खर्चा में निकाल देंगे तो वो बच जाएगा, अब इधर से भी राइड ले जाएंगे तब तो अच्छी बात है, नहीं ले जाएंगे तो हो जाएगा घाटा। वो आज साल लगे तेज, हो सकता है वहाँ पे भी अच्छा काम हो अपने कानपुर में, सर्च वगैरह शाम को लगे, जैसा भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल यहाँ से हर कोई राइड मिल जाए तो अच्छी बात है। सारी की सारी टैक्सी गाड़ियाँ हैं भाई, सब लोगों ने एकदम जाम कर रखा है। लग रहा 3-4 फ्लाइटें भाई एक साथ आ गई हैं, जब 3-4 फ्लाइटें एक साथ आती हैं तो ऐसा ही होता है, इन लोगों को गाड़ी वालों उन लोगों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, पूरा ब्लॉक सा हो जाता है रास्ता। अभी CNG हमारी आधे से ज़्यादा कुछ ख़त्म हुई है, ये देखो, हालांकि पेट्रोल तो एकदम, पेट्रोल भी खत्म है भाई, अब क्या किया जा सकता है, चलिए देखते हैं भाई। तो भैया बता दें कस्टमर को हमने छोड़ दिया, बैक टू बैक देखो बुकिंग आ रही है, लेकिन अभी हमें करना नहीं है क्योंकि सारा दिन गाड़ी चला है, रेस्ट जरा सा भी नहीं मिला। कितने में किस कंपनी में कितना काम किया आपको दिखाते हैं भाई। 5 बुकिंग किया ओला में, 778 रुपए ये काम हुआ है, ठीक है। और उसके बाद उबर में सिर्फ 2 राइडें की है भाई, ये देखो 2691 रुपए ये हुआ है, ठीक है। अब लास्ट में टोटल आपको बताएंगे, अरे मान के चलो 2800-700, लगभग 3500 रुपए काम हो चुका है, ठीक है। 3500 रुपए में खर्चा 15000 रुपए निकाल, 1500 रुपए निकाल लेते हैं भाई, सॉरी जवान फिसल रही है, तो 2000 रुपए आज आपकी अपनी बचत होने वाली है। अभी भी देखो ये किदवई नगर की बज रही है, उधर नहीं जाएंगे, इधर अपना नवाबगंज चिड़ियाघर कल्याणपुर इंदिरानगर इधर की बजेगी, तो भाई बुकिंग को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो बुकिंग को जाने देंगे। एयरपोर्ट इधर से लेके पहुंचे थे भाई, फेयर अच्छा आया था, इधर से ज्यादा आया था और उधर से कम आया था। देखो उधर से जो फेयर हम लेके आए हैं एक राइड का, अभी हम दिखाते हैं दिल्ली सुजानपुर की भाई, सर्च लग रहा 1.3 का, जो हम राइड लेके आए 1228 रुपए देखो मिला है, ठीक है 1228, और प्लस वो माइनस कर दो उसमें जो है। तो अभी खड़े हैं कचेरी के पास, हम यहाँ कोई लोकल की राइड मिल जाएगी निकल जाएंगे घर की तरफ, क्योंकि अभी ओला में सर्च लगा नहीं है, अगर सर्च लगेगा तो हम चलाएंगे, फिलहाल अभी तो नहीं लग रहा है। ओला उबर वन वे तीनों ही कंपनी हमने खोल रखी है। अभी शास्त्री नगर का देखो बार बार बज रहा है, लेकिन कोई सर्च नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी लास्ट में बताएंगे भाई कितने की अपनी अर्निंग हुई है टोटल जोड़ के, हो सकता है और थोड़ा बहुत काम करें, जैसा भी होगा बताएंगे।
तो अभी देखो बर्रा के बज रही है, 1.3 का सर्च लगा हुआ है, ठीक है 1.3 का सर्च लगा हुआ है बर्रा 2। अब कोई ढंग की, कम से कम डबल की तो बुकिंग आया यार, इससे कम में जाना बेकार है। छापड़ा गेस्ट हाउस गोविंद नगर की बज रही है भाई, जब तक सर्च नहीं बजेगी तब तक तुम्हारा भाई ये जाएगा नहीं, ठीक है। तो भैया अपना काम हो चुका है, देखो ओला में 778 रुपए का 5 ट्रिप हुई है और उबर में हुई है 3 ट्रिप, 3 ट्रिप का है 2915 रुपए। ये टोटल जोड़ देंगे भाई तो ये लगभग हुआ जाके 3700 रुपए, 1700 खर्चा निकाल के आज की बचत हुई अपनी 2000। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तो सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, ओके बाय।